डॉक्टर आमना आपके लिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप भी, और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, मैं भी आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं बाइक का रिव्यू कराने। एक हमारे तो लेजेंड ही हैं, मैं कहूँगा आप खुद ही देख लें, तारुफ अपना खुद ही कराएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, जी नईम खान पाक मोटो ब्लॉग से, और ख़ास कर ये जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ ये बच्चों के लिए, और ख़ास कर आमना आपके लिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप भी बाइक की शौकीन हो और आप वीडियोस मेरी देखते हो, तो ख़ास ही आपके लिए वीडियो है, आपके पापा के हाथ में भिजवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, मैं भी आऊँगा। और जी तो ये नईम भाई की बाइक है माशाल्लाह, बेनेली TNT25। तो अभी नईम भाई ने जो है वो बाइक का रिव्यू किया है हमारे का भी, तो अभी थोड़ा सा हम भी प्रैक्टिस में आए नईम भाई के बाइक का थोड़ा सा रिव्यू कर लें। ये नईम भाई ज़रा आप थोड़ा सा बता दें स्पेसिफिकेशन वगैरह। जी स्पेसिफिकेशन तो 250 सीसी है जी, जी और 6 स्पीड है, आगे डबल पिस्टन कैलिपर सिंगल डिस्क साइड पे लगी हुई है, उस साइड पे उससे उल्टा है। अच्छा अच्छा जी, और पीछे पीछे की उस साइड, अच्छा पीछे की पीछे एक साइड और बाकी जो अच्छी चीज़ है इस बाइक की वो ये है कि जो अगले शॉक्स हैं वो यूएसडी शॉक्स हैं, जो अपसाइड डाउन वो इसकी अच्छी चीज़ है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है। बाकी आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल। ये नई भाई ने चाबी मेरे हवाले कर दी जी, चाबी इसकी बहुत जबरदस्त है जी, ये नाक की तरह से खुलती बंद हो जाती है, अभी मेरे हाथ में कैमरा ये इस तरह, और इस तरह बटन लगाए इसको प्रेस करेंगे तो खुल जाएगी। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखें, हाँ ये अच्छी चीज़ है, इसमें इन्होंने गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है जी जी, ठीक हो गया सब कुछ है इसमें। आरपीएम जो इसका वो एनालॉग है, एनालॉग है, और क्लॉक भी है, क्लॉक भी है, और स्पीडोमीटर डिजिटल में है जी, और इसका किलोमीटर माइल्स में भी शायद चेंज किलोमीटर हो जाता है, और टेम्परेचर गेज भी, टेम्परेचर गेज भी है जबरदस्त जबरदस्त, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। मेरे तो फेवरेट थे बेनेली के नईम भाई बाइक 302R, मैं सिर्फ इसलिए परचेज नहीं किया क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो उस लेवल पे चली गई थी, मैंने कहा उससे बेहतर फिर वो कावासाकी इसका राउंड लगाएं जी, और हम वीडियो बनाते हैं जी। अभी मैसेज रिकॉर्ड किया हेलमेट, तो मैं हेलमेट क्विकली पकड़ लूँ। अच्छा जी व्यूअर बिल्कुल हेलमेट के लिए गए हैं, है साइलेंट है ये बिल्कुल जी स्टॉप, क्योंकि यूरो पैक के अंदर जी जी, उसका भी बिल्कुल निंजा का भी बिल्कुल क्वाइट था, जो साले क्वाइट था, लेकिन हमें यहाँ जरा थोड़ा सा नहीं, वैसे गियर वो अप्स एंड डाउन जी, गियर वैसे ही है बिल्कुल कावासाकी की तरह ही है। अच्छा फीचर ये है कि अगर स्टैंड लगा हुआ है तो ये बंद हो जाएगी, गियर लगाते ही गियर में होगा तो बंद। अच्छा
और लीजिए जी अभी बाइक। और जी बिल्कुल बाइक ये भी आप पे सूट कर रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत स्मूथ, गियर की शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। और मैं कहता हूँ कि मैंने तो वैसे शौकिया ले लिया कि छोटे मोटे ट्रिप्स भी हो जाएं, लेकिन मैंने अपने ट्रिप्स के लिए 150F रखी हुई है, तो देखें उसमें कब बेचारे को भी, जब से आया हूँ कल रात को उसको निकाला है। अच्छा जी, अच्छा। बिल्कुल कल रात को बैटरी बिल्कुल डेड थी, लेकिन ये है कि वो चौक दे के स्टार्ट हो। उसमें तो चले है कि केक की भी ऑप्शन है, तो वो कोई हाँ ठीक। तो माशाल्लाह जबरदस्त, मैं थैंक यू। इसकी राइड बहुत स्मूथ, गियर शिफ्टिंग वेरी स्मूथ है। थैंक यू। और एक्सेलरेशन थ्रॉटल भी इसकी बड़ी जबरदस्त है। तो ठीक है नईम भाई, ठीक है जी, ठीक है। और नईम भाई को कहूँगा आप जो है वो अपने स्टाइल में जरा खुदा हाफिज़ भी कर दें जी। तो व्यूअर्स, ज़हीर भाई के चैनल को देखने वाले, इनकी वीडियोस को देखने वाले फेसबुक पे हो जहाँ भी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत नाइस, बहुत खुशी हुई ज़हीर भाई से मिलके। इसके साथ ही मुझे नईम खान को और ज़हीर भाई जो कैमरे के उस तरफ उस तरफ है, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और बाय। नहीं आमना, आपके लिए खास कर आमना, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय। हाँ।